नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल। आज कोविड पॉजिटिव होने के लगभग 14 दिन बाद अस्पताल से घर वापस आया हूँ। इस दौरान काफ़ी कुछ अनुभव रहे जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 8 या 9 अप्रैल को जब पहली बार फीवर आया तो ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये नॉर्मल वायरल फीवर होगा। तुरंत RT-PCR टेस्ट कराया, उसमें लेकिन कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। फिर खांसी शुरू हो गई, मेडिकेशन, डॉक्टरों से बात करना तुरंत शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी 4-5 दिन निकल गए। ऐसा लगा कि नहीं, शायद घर पे ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। इस दौरान संगठन से काफ़ी मदद मिली, कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने खुद फ़ोन करके पूछा और उन्हीं की शायद नेक सलाह थी कि सही समय पर अस्पताल में पहुँच गए। JK हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। पहले दिन ही मेरे को ICU में ले जाया गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। एक हैवी ऑक्सीजन मास्क लगाकर ICU में रखा गया। पहले दिन तो बहुत डर लगा, दिल दहल गया था देख के वहाँ की हालत, आसपास के लोगों की हालत। पहले दिन ना मैंने खाना खाया, ना किसी से बात की, हालत और ख़राब हो गई। जब अगले दिन डॉक्टरों को पता लगा कि बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसमें एक सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने काफ़ी एक अच्छी सलाह दी। उन्हें बताया कि भैया 10-15 दिन तो कोविड रहेगा, अब इस लेवल पे आ गया है कि तुम्हें 10-15 दिन यहाँ रहना है, अब तुम्हारे ऊपर है, खुशी खुशी रहो या रोते हुए रहो, रहना तो है, अगर खुशी खुशी रहोगे तो शायद जल्दी छूट जाओ, नहीं तो तकलीफ़ बहुत बढ़ने वाली। उसके बाद दोस्तों से बात करना शुरू की, जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको देखना बंद किया। मोबाइल का सहारा लेकर जितनी मूवी या वेब सीरीज़ हो सकती थी वो देखना शुरू की। फिर योग करना, भाप लेना, जैसा डॉक्टर कहते थे वैसा मैं करता जाता था। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। 9 या 10 दिन बाद मैं नॉर्मल वार्ड में आ गया और 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद आज घर वापस आ गया। तो जितने भी लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या अभी कोविड पॉजिटिव हुए हैं या जो नहीं भी हुए, उनसे मैं यही कहूँगा, जितना पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी जल्दी ही आप घर वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।